हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सिराजुल अकफैजी। आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द केमिस्ट्री कोर कोर्स, दैट इज़ द मेजर कोर कोर्सेस। सो यू कैन सी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7 and semester 8. So this is the 8 semester course. So what you read in semester 1, MJC, major course 1, theory on. In the second, major course 2, theory, and major course 2, practical. In semester 3, major course 3, MJC 3, you have to write 3, theory, and major course 4, theory, and major course 4th, practical, means 2 theory and 1 practicals. Same as semester 4th, MJC 5, theory, MJC 5, practical, MJC 6, theory, MJC 6, practical, or MJC 7, that one is the theory. In semester 5th, again you have MJC 8 theory and practical, or MJC 9 theory. In semester 6, MJC 10, that one is the theory, MJC 10 practical, MJC 11 theory, MJC 11 practical, MJC 12 theory. 7th, MJC 13 theory, MJC 14 theory, and MJC 15 theory. तीन पेपर थ्योरी रहेंगे, और सेमेस्टर्स 8 में MJC 16, दैट इज़ द थ्योरी। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है? तो MJC 1 जो सेमेस्टर 1 में है, जो थ्योरी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। उसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री 1, स्टेट ऑफ मैटर एंड आयनिक इक्विलिब्रिया, जो MJC 2 है। फिजिकल केमिस्ट्री 1, स्टेट ऑफ मैटर एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पे इसी की प्रैक्टिकल। MJC 3 जो आपको थर्ड सेमेस्टर में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर हैलोजन डेरिवेटिव थ्योरी, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन थ्योरी, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसकी प्रैक्टिकल। MJC 5th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें PS, SPD एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो थ्योरी है, T4 थ्योरी यहाँ पर है। MJC 5 में फिर प्रैक्टिकल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिक्सचर, दैट वन इज द प्रैक्टिकल। MJC 6 थ्योरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड विद द ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो थ्योरी पढ़नी है। MJC 6 की जो प्रैक्टिकल होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप ऑन। MJC 7 में फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें आपको फिजिक्लिब्रिया, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेव करना है। MJC जो थ्योरी है 8, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थ्योरी पढ़ने। MJC 8 जो है आपका प्रैक्टिकल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज़ द प्रैक्टिकल। MJC 9 जो थ्योरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एल्किलोइड्स एंड टर्पिनॉइड्स। MJC 10 जो है फिजिकल केमिस्ट्री है, जो थ्योरी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स एंड फोटोकेमिस्ट्री, दैट वन इज द थ्योरी। MJC 10 जो प्रैक्टिकल है फिजिकल केमिस्ट्री, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स थ्योरी पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स उसकी प्रैक्टिकल पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेमेस्टर 7 में जाके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी पढ़नी है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका सेमेस्टर 7th में ही पढ़ना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आपका
MGC-16 जो है एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि सेमेस्टर वन में आप MGC-1 लिखेंगे और सेमेस्टर टू जो अभी जल्द हुआ है MGC-2 और MGC-2 दो है, देर एक वन प्रैक्टिकल एक थ्योरी है। MGC-3, 4, 5, 4 में आप देखें तो तीन है, दो थ्योरी है एक प्रैक्टिकल है। उसी तरह MGC-5 थ्योरी प्रैक्टिकल है, 6, 6 थ्योरी प्रैक्टिकल है, 7, 7 थ्योरी है, 8, 8 थ्योरी प्रैक्टिकल है, 9, 9 थ्योरी है, 10, 10 थ्योरी प्रैक्टिकल है, 11, 11 थ्योरी प्रैक्टिकल है, 12, 12 थ्योरी है, 13 थ्योरी है और 14 भी थ्योरी है और 15 भी थ्योरी है और लास्ट में MGC-16 भी थ्योरी है।